हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि कोकोनट को कैसे लंबे दिनों तक मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो इसे मैं फ्रीजर में स्टोर करके रखती हूँ और ये 3 से 5 महीने तक बहुत ही अच्छे से रहते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे इंडिया में तो कोकोनट बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है। मार्केट कहीं पे भी किसी भी वक्त हमें आसानी से हम लोग मार्केट से जाके ख़रीद के ले आ सकते हैं। पर यहाँ पे जब आप इंडिया से बाहर रहते हो और स्पेसिफ़िकली अगर मैं जापान की बात करूँ तो यहाँ पे कोकोनट हर वक्त नहीं मिलता। इंडियन स्टोर में भी कभी कभी होता है, कभी कभी स्टॉक नहीं होता। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब भी ये नारियल अवेलेबल होता है इंडियन स्टोर वगैरह में आता है तो एक ही टाइम में मैं बहुत सारा ले आती हूँ और उसे फ्रीज करके रखती हूँ। हालांकि ये 2 कोकोनट जो मैं लाई हूँ वो इंडियन स्टोर से नहीं, वही नॉर्मल जापानीज सुपर मार्केट से ही लाई हूँ। और ये इंडियन कोकोनट नहीं है, ये शायद वियतनाम के हैं। और इसमें बहुत सारा कोकोनट वाटर था। मुझे ये 2 कोकोनट से अराउंड 600 ml नारियल का पानी मिला। तो अभी मैं वही नारियल का पानी यूज करके एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये एक सिंपल सी रेसिपी है। ये बेसिकली कोकोनट वाटर जेली मैं अभी बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये कोकोनट को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और एक पैन में मैंने लिया है 1/4 कप पानी और उसमें डाला है 1.5 packets ऑफ जेलाटिन पाउडर। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप जेलाटिन के जगह आगर आगर ले सकते हो। और ये जेलाटिन एंड कोकोनट वाटर का मेजरमेंट आप अपने पैकेट में चेक कर सकते हो, बट मैंने लिया है 1.5 कप ऑफ कोकोनट वाटर और 1.5 packets ऑफ जेलाटिन पाउडर। तो हमें क्या करना है, पानी को थोड़ा गर्म करके उसमें जेलाटिन पाउडर डाल के उस जेलाटिन को मेल्ट करना है। और मेल्ट करने के बाद हम उसमें डालेंगे कोकोनट वाटर और थोड़ा सा चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और उसके बाद सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये चीनी हमारा सब कुछ डिसॉल्व हो जाए। और इसको थोड़ा सा वार्म करके फिर हम गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। फिर इसके बाद इसे हमें कोई भी कप या मोल्ड में ट्रांसफ़र करना है। अगर आप ग्लास का कप ले रहे हो तो मेक श्योर कि वो हीट रेजिस्टेंट हो, और नहीं तो आप कोई भी कप्स ले सकते हो। तो आपके पास जो भी कप हो उसे आप यूज कर सकते हो। और इसमें मैं थोड़ा वो नारियल के पीसेस भी डाल रही हूँ ताकि वो जेली खाते वक्त जब ये नारियल के पीसेस मुँह में आए तो अच्छा लगे। तो फिर इसके बाद इसे हमें फ्रीज में रखना है जब तक ये सॉलिड ना हो जाए और जेली में कन्वर्ट ना हो जाए। तो जेली तो अभी फ्रिज में सेट हो रहा है और उसे सेट होने में टाइम लगेगा। तो अभी मैं ये कोकोनट को ऐसे स्मॉल स्मॉल पीसेस में अभी काट लूँगी। तो मैं ये कोकोनट को 2 तरह से इसे कट करके स्टोर करूँगी। एक तो ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ और दूसरा इसे ग्रेट करके स्टोर करूँगी। तो ये स्मॉल स्मॉल कोकोनट के पीसेस को बाद में हम चटनी में यूज़ कर सकते हैं। तो नहीं तो बहुत सारे स्वीट्स बनते हैं जिसमें कोकोनट पीसेस चाहिए होते हैं, तो उस टाइम पर भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे फ्रीजर से निकाल के थोड़े वार्म वाटर में इसे रख देंगे, फिर उसके बाद फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसका टेस्ट भी अच्छा ही होता है, वो फ्रेशनेस आपको मिलेगा। मतलब बिल्कुल 100% फ्रेश कोकोनट का टेस्ट तो नहीं आएगा, पर ये आपको पता नहीं चलेगा कि ये मतलब ये फ्रोजन कोकोनट है। टेस्ट अच्छा ही होता है। और मतलब अब ये इस कोरोना के टाइम में हम लोग ऐसे करके भी स्टोर कर सकते हैं ताकि हमें ये कोकोनट के लिए बार बार हमें बाहर जाना ना पड़े और इसको ज़रूरत के टाइम पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं ये सेकेंड नारियल को ग्रेट कर रही हूँ। अगर आपके पास अच्छा सा ग्रेटर हो तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर आप ग्राइंड करना चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हो, बट पर्सनली मुझे वो अच्छा नहीं लगता उस, तो इसलिए मैं इसे ग्रेट ही कर रही हूँ, ग्राइंड नहीं कर रही।
तो अभी मैं ये कोकोनट के पीसेस को एक ज़िपलॉक बैग में डाल के रख लूँगी और ग्रेटेड कोकोनट को भी और एक ज़िपलॉक बैग में डाल के फिर मैं फ्रीज़र में स्टोर करके रख लूँगी। आप चाहें तो वो फ्रीज़र बैग में डेट भी लिख के डाल सकते हो ताकि पता चले कि ये कब स्टोर किया गया था। तो यहाँ पे मैं अपने प्लांट्स के लिए एक स्टैंड के जैसा कुछ बना रही हूँ। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस सारे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, जैसे कि करेला हो गया, क्यूकम्बर और तुरई, वो सारे लगाए हैं। तो वो सारे क्लाइंबर्स हैं, तो उन्हें चढ़ने के लिए ऊपर कुछ चाहिए। तो इसके लिए तो मैं ये DIY करके ये कुछ बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो मोटे वाले स्टिक्स लिए हैं और कुछ पतले वाले स्टिक्स, तो उन सब को जोड़ के मैंने कुछ इस तरह का स्टैंड बना लिया है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है अभी। एक्चुअली ये वीडियो मैंने 1 मंथ पहले शूट किया था, तो अभी मेरे प्लांट्स काफ़ी बड़े हो चुके हैं और उनमें फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स भी आ गई हैं। और वो वेजिटेबल्स का फ़ोटो मैंने अपने इंस्टाग्राम में डाली हुई है, अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है OurLifeInJapan11, तो आप जाके वहाँ पे चेक भी कर सकते हो और प्लीज़ फॉलो भी कर देना। और अभी मेरे प्लांट्स कुछ इस तरह दिख रहे हैं। और ये करेला का प्लांट है, इसमें छोटे छोटे करेले सब आए हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। और हमारा जेली भी सेट होके रेडी हो चुका है और बच्चे भी रेडी हैं जेली को ट्राई करने के लिए। वैसे भी बच्चों को जेली बहुत ही पसंद आता है, बट ये कोकोनट वाटर जेली मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आया और मुझे भी बहुत पसंद आया एक्चुअली। और ये समर के टाइम में ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। और आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे बताना ये कैसा बना, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और इजी सा रेसिपी है और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही अच्छी बनी है जेली और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आया। तो ये समर के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। आई होप ये समर में आप लोग ये रेसिपी ट्राई करोगे। और रेसिपी ट्राई करने के बाद कैसा बना ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।